नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। बीजेपी विधायक नितेश राणा ने विवादित बयान पर माफी मांगने से किया इनकार। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव से आज फिर पूछताछ करेगी ईडी। अहमदाबाद में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में बीजेपी एमएलए नितेश राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली एनसीआर, वेस्ट यूपी, पूर्वी हरियाणा और पूर्वी महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा की फिर बड़ी मुश्किलें, सामने आया पॉस्को का एक और मामला। लखनऊ में शोहरतगढ़ के विधायक के सरकारी आवास से टंकी और टोटी हुई चोरी, छानबीन ने जुटी पुलिस। जयपुर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान के पूर्व आरपीएससी सदस्य के बेटे बेटी समेत 5 गिरफ्तार किए गए। पीएम मोदी ने निशात कुमार को दी बधाई, पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 में जीता सिल्वर मेडल। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सीएम चंद्रबाबू ने किया स्थिति का जायजा। बहराइच में भेड़िए के हमले से 2.5 साल की बच्ची की मौत। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।